बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल हिला देने वाले हालात वाकिए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। हज़रत उस्मान पीटते रहे, तमाम बदन जख्मी हो गया, सख्त तकलीफ़ हुई। आपने तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए होठों को दांतों में दबा लिया, वहाँ तो उफ तक भी नहीं किया, और इस्लाम को छोड़ने का वसवसा तक पैदा ना हुआ। आपने अगर कहा तो सिर्फ यह है कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, यह न होगा, हरगिज़ न होगा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूँ, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमान रहूँगा। उनका चचा इस बात पर और भी बिगड़े और उनसे पूरी ताकत लगाकर हज़रत उस्मान को मारना शुरू किया। चमड़े का कोड़ा था, बदन के जिस हिस्से पर पड़ता था खाल उधेड़ देता था। तमाम बदन जख्मों से चूर था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का फवारा उबल रहा था। संगदिल से संगदिल को उनकी इस हाल पर रहम आ जाता, अगर रहम न आया तो उसके जालिम चचा को आपको मारता रहा, यहाँ तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। चचा बोला, अब इसे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दो, फिर उसको सजा दी जाएगी। गुलामों ने हजरत उस्मान को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उन्हें निकाला और मारना शुरू कर दिया। आपको आपके चचा ने उस वक्त तक मारा जब तक उसके हाथ में ताकत रही, जब वह थक गया तब छोड़ा। आज तमाम मक्के में जोश था, कुफार गली गली फिर रहे थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियाँ होनी थी। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों की खोजबीन में घर से बाहर निकला था। मुसलमान कमज़ोर थे, बेबस थे, मक्के का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन पर मक्का के वासिंदे इतनी सख्तियाँ करेंगे। वे दरिंदगी और बर्बरता का निशाना बनने लगे और उन पर इंतहाई जुल्म व सितम किए जाने लगे। हजरत उमर बड़े बहादुर और बहुत सख्त थे, आपकी बहादुरी कहावत बन गई थी। तमाम कबीले आपकी बहादुरी के कायल थे। आपको मालूम हो चुका था कि आपकी बांदी लुबनिया मुसलमान हो गई। आपने गुस्से में पूछा, बदबख्त बांदी, किस लालच ने तुझे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया? आप उस मुस्लिमा को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए। लुबनिया पहले तो डरी घबरा गई, पर जब उमर ने उनसे पूछा कि कौन सी लालच से वह मुसलमान हुई है तो उसे जोश आया। उसने जवाब दिया, उमर, किसी लालच ने मुझे मुसलमान होने पर नहीं उभारा। हजरत मोहम्मद कोई मालदार नहीं है, बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, उनके पास क्या रखा है? उमर ने बात काटते हुए कहा, फिर तू मुसलमान क्यों हुई? लुबनिया ने कहा, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाता है, बुतों की पूजा करने से मना करता है। उमर ने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ़, खाली खुदा को पूछती है, कमबख्त कमीनी, इस्लाम को छोड़ दे। लुबनिया ने आजीजी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, उन्होंने लुबनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमज़ोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कैसे सह पाती? लुबनिया तड़पने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहाँ तक कि हजरत उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरफ बैठ गए और कनीज से बोले, लुबनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूँ। जिंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुबनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ए उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो, हड्डियाँ तोड़ दो, तो भी यह नामुमकिन है कि इस्लाम छोड़ दूँ। मैं तुमसे आजीजी के साथ कहती हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हजरत उमर को उसने के जवाब का बड़ा तैस आ गया। अगरचे वह बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना तैस आया कि उन्होंने फिर मारना शुरू किया। जब लुबनिया पिट रही थी तो बहुत से लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी न मार की। वह बेजुबान जानवर की तरह पिटती जा रही थी, यहाँ तक कि बेदम होकर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस जगह काफ़ी मजमा था, लोग बड़े जोश और गजब से भरे हुए कनीज के पिटने का तमाशा देख रहे थे कि एक तरफ से शोर व गुल की आवाज़ आई। लोग उस तरफ देखने लगे, उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहली ही नज़र में पहचान लिया, ये हजरत बिलाल हैं। हजरत बिलाल के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी, सबके सब जोश व गजब से दीवाना बने हुए थे। वे हजरत बिलाल को घसीटे ला रहे थे, लात मुक्के घूंसे खजूरों की कंचियां चमचे चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी
भी उनके साथ था, यह उमैया बिन खलफ था। हजरत बिलाल उसके गुलाम थे। वह आवाज देकर कह रहा था, मारो इस बदबख्त को, खूब मारो, यह मुसलमान हो गया है, यह बागी और गद्दार है। आज के लिए बस इतना ही। दिल हिला देने वाले हालात अभी जारी हैं। मिलते हैं इसी वाक्य के अगले हिस्सों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।